जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आवेदन करने के बाद उन सभी महिलाओं को हर महीने सरकार की तरफ से 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आवेदन कैसे करेंगे, कहां पर आपको जमा करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की खबर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए आर्थिक सहायता राशि देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से इनके ऑफिशियल पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल पर आने के लिए आपको गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर में टाइप करना है mmmsy.jharkhand.gov.in। इस प्रकार इनका ऑफिशियल वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। साथ ही पर पोर्टल पर आने पर इस योजना का नाम भी बदल दिया गया है। अब इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कर दिया गया है। इस पोर्टल पर आने के बाद जैसे आप यहां पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको कई सारी जानकारी देखने को मिल जाती है और यहां पर देख सकते हैं कि कुल प्राप्त आवेदन अब तक यहां पर कितने हो चुके हैं, कुल यहां पर प्राप्त आपत्तियां दी गई है और कुल प्राप्त आवेदक दिए गए हैं। तो यहां पर अभी भी यहां पर आवेदन शुरू है, आप लोग इस योजना का आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। यहां पर आपको आवेदन पत्र देखने को मिल जाता है, इसी वाले वेबसाइट के नीचे आएंगे तो आपको सिंपली इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहां पर जो है डाउनलोड कर लेता हूं। कुछ इस प्रकार फॉर्म को जारी किया गया है, आप इनको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेंगे और इस फॉर्म को आपको अच्छी तरीके से भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटो चिपका देना है और यहाँ पर जो भी आवेदक का नाम होगा, आवेदक का नाम आपको लिखना है, पिता या फिर पति का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उनके बाद जो भी आपका ग्राम पता मोहल्ला होगा वो आप यहाँ पर सभी डिटेल एड्रेस को फिलअप करेंगे। जो भी डिटेल आप यहाँ पर देंगे आपके आधार कार्ड के साथ मैच होने चाहिए। चौथे नंबर वाले ऑप्शन में जो भी आपका मतदाता पहचान पत्र की संख्या होगी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड की संख्या होगी, आधार कार्ड की संख्या आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है। उसका जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, जिस वाले बैंक अकाउंट में आप पैसे लेंगे, खुद का होना चाहिए, यहाँ पर आपको अपना खाता संख्या अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसका जैसे आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर खाता पूछा जा रहा है, यानी कि आपका जो खाता है वो आधार कार्ड से लिंक है या फिर नहीं है। तो सिंपली आपको हाँ वाले ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगा देना है। अगर आपका खाता आधार कार्ड से लिंक होगा तभी जा करके आपके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आठवें नंबर वाले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि बैंक का नाम, यानी कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो कौन सा, उनका नाम आपको लिखना है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी होगा आपको यहाँ पर लिखना है। आपका जो भी एफसी कोड होगा एफसी कोड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड का संख्या लिखना है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का संख्या भी मांगा जा रहा है। अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड की संख्या लिख देंगे, नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। 12 नंबर वाले ऑप्शन में आपसे यहाँ पर जाति पूछा जा रहा है, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी होगी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उनके बाद जो भी आपकी वर्तमान आयु हो रही है आधार कार्ड के अनुसार आप यहाँ पर अपनी आयु लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका जन्म तिथि होगा जन्म तिथि लिखेंगे। आवेदक का पहचान चिन्ह पूछा जा रहा है, तो अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी चिन्ह, दाग, कटा हुआ कोई भी निशान वगैरह है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरे बाएँ हाथ में तिल है या मेरे चेहरे पर तिल है, तो जो भी होगा आप यहाँ पर लिख देंगे। उनके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी एक मोबाइल नंबर दे देंगे जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का विवाहित पूछा जा रहा है, यानी कि आवेदक जो है वो विवाहित है या फिर नहीं है। विवाहित है तो आपको हाँ पर सही का निशान लगाना है, नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगा देना है। आवेदक की स्थिति पूछा जा रहा है, यानी कि विधवा है, तलाकशुदा है, प्रत्यक्ता, जो भी होगा आप अपने अनुसार आप इनको यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए संलग्न प्रमाण पत्र पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर इनके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। यहाँ पर आपको आधार कार्ड तो देना ही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से आपको सही का निशान लगाना है। साथ ही दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में बताया गया कि मतदाता पहचान पत्र की स्वामित्व प्रति, यानी कि मतदाता पहचान पत्र के आपका पर फोटोकॉपी भी अटैच करना है, तो वो भी आपको सही का निशान लगाना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है उन सभी वाले ऑप्शन में आपको यहां पर सही का निशान लगाना है। उनके बाद यहां पर देखिए घोषणा दिया गया, आप इनको घोषणा को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको डेट दिया गया, यानी कि जिस दिन आप यहां पर जमा करेंगे वो तारीख आपको यहां पर लिख देना है। आवेदक का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान, तो आप यहां पर सिग्नेचर करते हैं तो यहां पर आप सिग्नेचर कर देंगे। अगर आप यहां पर अंगूठा देते हैं तो आप यहां पर अंगूठे का निशान दे देंगे। उसके बाद यहां पर देखिए पावती रसीद दिया गया, जैसे आप यहां पर इनको जमा करेंगे तो वो यहां पर आपको फाड़ कर दे देंगे। यहां पर आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, सारा डिटेल यहां पर जो स्वीकृति करेंगे
वही आप यहाँ पर फिलअप करके देंगे। साथ यहाँ पर बताया गया कि आवेदन करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यहाँ पर जो SMS के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्व घोषणा पत्र भी दिया गया है, इनको भी आपको जरूर अटैच करना है। स्व घोषणा पत्र भरने के लिए यहाँ पर देखिए मैं आवेदिका का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, पिता या फिर पति का नाम लिखना है, उम्र बताना है, जो भी आपका पता ग्राम मोहल्ला पड़ता होगा वो आप यहाँ पर सारा एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल नंबर आपको लिखना है। इन स्व घोषणा पत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आवेदक का हस्ताक्षर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जो स्व घोषणा पत्र भी जरूर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सत्यापन प्रतिवेदन यहाँ पर दिया गया, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है, ये जो है आपको नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी के द्वारा यहाँ पर जो है भरवाए जाएंगे, आपको भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उनके नीचे आएंगे तो यहाँ पर योजना की संक्षिप्त जानकारी दी गई है, आप इनको रीड करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। टोटल यहाँ पर 3 पेज का यहाँ पर PDF है। इसी तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है और सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके जो भी आपके नजदीकी में CSC सेवा केंद्र होंगे वहीं पर आपको फिलहाल अभी यहाँ पर आवेदन लिया जा रहा है वहां पर आप जमा करेंगे, या फिर आपके अगल बगल में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कैंप लगाए गए हैं तो आप वहां पर भी इस फॉर्म को जमा करके आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जल्द ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर भी ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।